आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 9। सोफिया इस समय उस अवस्था में थी जब एक साधारण हंसी की बात, एक साधारण आंखों का इशारा, किसी को उसे देखकर मुस्कुरा देना, किसी की महरी का उसकी आज्ञा का पालन करने में एक क्षण विलंब करना, ऐसी हजारों बातें जो नित्य घरों में होती हैं और जिनकी कोई परवाह भी नहीं करता, उसका दिल दुखाने के लिए काफी हो सकती थी। चोट खाए हुए अंग को मामूली सी ठेस भी असन्ना हो जाती है, फिर इंदु का बिना उससे कुछ कहे सुने चले जाना क्यों न दुखजनक होता। इंदु तो चली गई, पर वह बहुत देर तक अपने कमरे के द्वार पर मूर्ति की भांति खड़ी सोचती रही, यह तिरस्कार क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे यह दंड मिला है? अगर उसे यह मंजूर न था कि मुझे साथ ले जाती तो साफ साफ कह देने में क्या आपत्ति थी? मैंने उसके साथ चलने के लिए आग्रह तो नहीं किया था। क्या मैं इतने नहीं जानती कि विपत्ति में कोई किसी का साथी नहीं होता? वह रानी है, इसका इतनी ही कृपा कोई कम थी कि मेरे साथ हंस बोल लिया करती थी। मैं उसकी सहेली बनने के योग्य कब थी? क्या मुझे इतनी समझ भी न थी? लेकिन इस तरह आंखें फेर लेना कौन सी भलमनसी है? राजा साहब ने न माना होगा, यह केवल बहाना है। राजा साहब इतनी सी बात को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। इंदु ने खुद ही सोचा होगा वहां बड़े बड़े आदमी मिलने आवेंगे, इनसे इसका परिचय क्यों कर कराऊंगी। कदाचित यह शंका हुई हो कि कहीं उसके सामने मेरा रंग फीका ना पड़ जाए। बस यही बात है, अगर मैं मूर्खा रूप गुण विहीना होती तो वह मुझे जरूर साथ ले जाती। मेरी हीनता से उसका रंग और चमक उठता। मेरा दुर्भाग्य, वह अभी द्वार पर खड़ी ही थी कि जानवी बेटी की विदा करके लौटी और सोफी के कमरे में आकर बोली, बेटी मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने ही तुम्हें रोका लिया है। इंदु को बुरा लगा, पर करूं क्या, वह तो गई ही, तुम भी चली जाती तो मेरा दिन कैसे कटता। विनय भी राजपुताना जाने को तैयार बैठा है, मेरी तो मौत ही हो जाती। तुम्हारे रहने से मेरा दिल बहलता रहेगा। सच कहती हूँ बेटी, तुमने मुझ पर कोई मोहिनी मंत्र फूंक दिया हो। सोफिया आपकी शालीनता है जो ऐसा कहती हैं। मुझे खेद है इंदु ने जाते समय मुझसे हाथ भी न मिलवाए। जानवी, केवल लज्जा बस बेटी, केवल लज्जा बस। मैं तुमसे कहती हूँ ऐसी सरल बालिका संसार में न होगी। तुझे रोक कर मैंने उस पर घोर अन्याय किया है। मेरी बच्ची का वहाँ जरा भी जी नहीं लगता। महीने भर रह जाती है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इतनी बड़ी रियासत है, महेंद्र सारा बोझ उसी के सिर डाल देते हैं। उन्हें तो म्युनिसिपलिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी आय व्यय का हिसाब लिखते लिखते घबरा जाती है। उस पर एक एक पैसे का हिसाब महेंद्र को हिसाब रखने की धुन है। जरा सा फर्क पड़ा तो उसके सिर ही जाते हैं। इंदु को अधिकार है जितना चाहे खर्च करे, पर हिसाब जरूर लिखे। राजा साहब किसी की रू रियासत नहीं करते। कोई नौकर एक पैसा भी खा जाए तो उसे निकाल देते हैं, चाहे उसने उसकी सेवा में अपना जीवन बिता दिया हो। यहाँ मैं इंदु को कभी कड़ी निगाह से नहीं देखती, चाहे घी का घड़ा लुटका दे। वहाँ जरा जरा सी बात पर राजा साहब की घुड़कियाँ सुननी पड़ती है। बच्ची से बात नहीं सही जाती, जवाब तो देती नहीं, और यही इंदु स्त्री का धर्म है। पर रोने लगती है, वह दया की मूर्ति है। कोई उसका सर्वस्व खा जाए, लेकिन जो ही उसके सामने आकर रोया बस उसका दिल पिघला। सोफी, भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए हैं और दोनों ही को देखकर हृदय शीतल हो जाता है। इंदु जितना ही कोमल प्रकृति और सरल हृदय है, विनय उतना ही धर्मशील और साहसी है। थकना तो जानता ही नहीं, मालूम होता है दूसरों की सेवा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। घर से किसी टहलनी को भी कोई शिकायत हुई और सब काम छोड़कर उसकी दवा दारू करने लगा। एक बार मुझे ज्वर आने लगा था, इस लड़के ने 3 महीने तक द्वार का मुंह नहीं देखा। नित्य मेरे पास बैठा रहता, कभी पंखा चलता, कभी पांव सहलाता, कभी रामायण और महाभारत पढ़कर सुनाता। कितना कहती, बेटा जाओ घूमो फिरो, आखिर ये लौंडिया बंदिया किस दिन काम आएंगी? डॉक्टर रोज आते ही हैं, तुम क्यों मेरे साथ सती होते हो? पर किसी तरह से न जाता। अब कुछ दिनों से सेवा समिति का आयोजन कर रहा है,
कुंवर साहब की जो सेवा समिति से इतना प्रेम है वह बिनही के सत्संग का फल है, नहीं तो आज से 3 साल पहले इनका सा बिलासी सारे नगर में न था। 3 में 2 बार हजामत बनती थी, दर्जनों धोबी और दर्जी कपड़े धोने और सीने के लिए नौकर थे। पेरिस से कुशल धोबी कपड़े संभालने के लिए आया था। कश्मीर और इटली के बावर्ची खाना पकाते थे। तस्वीरों का इतना व्यसन था कि कई बार अच्छे चित्र लेने के लिए इटली तक की यात्रा की। तुम उन दिनों मंसूरी रहा होगी, सैर करने निकलते तो सशस्त्र सवारों का एक दल साथ चलता। शिकार खेलने की लत थी, महीनों शिकार खेलते रहते। कभी कश्मीर, कभी बीकानेर, कभी नेपाल, कभी शिकार खेलने जाते। विनय ने उनकी काया ही पलट दी। जन्म का विरागी है, पूर्व जन्म में अवश्य कोई ऋषि रहा होगा। सोफी, आपके दिल में सेवा और भक्ति के इतने ऊंचे भाव कैसे जागृत हुए? यहाँ तो प्रायः रानियां अपने भोग विलास में ही मगन रहती है। जानवी, बेटी, यह डॉक्टर गांगुली के सदुपदेश का फल है। जब इंदु 2 साल की थी तो मैं बीमार पड़ी। डॉक्टर गांगुली मेरी दवा करने के लिए आए। हृदय का रोग था, जी घबराया करता मानो किसी ने उच्चाटन मंत्र मार दिया हो। डॉक्टर महोदय ने मुझे महाभारत पढ़कर सुनाना शुरू किया। उसमें मेरा ऐसा जी लगा कि कभी कभी आधी रात तक बैठी पढ़ा करती। थक जाती तो डॉक्टर साहब से पढ़वा कर सुनती। फिर तो वीरतापूर्ण कथाओं के पढ़ने का मुझे ऐसा चस्का लगा कि राजपूतों की ऐसी कोई व्यथा नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो। उसी समय से मेरे मन में जाति प्रेम का भाव अंकुरित हुआ, एक नई अभिलाषा उत्पन्न हुई। मेरी कोख से भी कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो अभिमन्यु, दुर्गादास और प्रताप की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करता। मैंने व्रत लिया कि पुत्र हुआ तो उसे देश और जाति के हित के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं उन दिनों तपस्वनी की भांति जमीन पर सोती, केवल एक बार भूखा भोजन करती, अपने बर्तन तक अपने हाथ से धोती थी। एक वे देवियां थी जो जाति की मर्यादा रखने के लिए प्राण तक दे देती थी। एक मैं अभागनी हूँ कि लोक परलोक की सब चिंताएं छोड़कर केवल विषय वासनाओं में लिप्त हूँ। मुझे जाति की इस अधोगति को देखकर अपनी विलासिता पर लज्जा आती थी। ईश्वर ने मेरी सुन ली। 3रे साल विनय का जन्म हुआ। मैंने बाल्यावस्था ही से उसे कठिनाइयों का अभ्यास कराना शुरू किया। न कभी गद्दों पर सुलाती, न कभी महारियों और दाइयों की गोद में जाने देती, न कभी मेवे खाने देती। 10 वर्ष की अवस्था तक केवल धार्मिक कथाओं द्वारा उसकी शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने डॉक्टर गांगुली के साथ छोड़ दिया। मुझे उन्हें पर पूरा विश्वास था और मुझे इसका गर्व है कि विनय की शिक्षा दीक्षा का भार जिस पुरुष पर रखा हुआ उसके सर्वथा योग्य था। विनय पृथ्वी के अधिकांश प्रांतों का पर्यटन कर चुका है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त यूरोप की प्रधान भाषाओं का भी उसे अच्छा ज्ञान है। संगीत का उसे इतना अभ्यास है कि अच्छे अच्छे कलावंत उसके सामने मुंह खोलने का साहस नहीं कर सकते। नित्य कंबल बिछाकर जमीन पर सोता है और कंबल ही ओढ़ता है। पैदल चलने में कई बार इनाम पा चुका है। जलपान के लिए मुट्ठी भर चने, भोजन के लिए रोटी और साग, बस इसके सिवा संसार के सभी भोज्य पदार्थ उसके लिए वर्जित से हैं। बेटी, मैं तुमसे कहाँ तक कहूँ, पूरा त्यागी है। उसके त्याग का सबसे उत्तम फल यह हुआ कि उसके पिता को भी त्यागी बनना पड़ा। जवान बेटे के सामने बूढ़ा बाप कैसे विलास का दास बना रह सकता। मैं समझती हूँ कि विषय भोग से उनके मन तृप्त हो गया और बहुत अच्छा हुआ। त्यागी पुत्र का भोगी पिता अत्यंत हास्यास्पद दृश्य होता। वह मुक्त हृदय से विनय के सत्कार्यों में भाग लेते हैं और कह सकती हूँ कि उनके अनुराग के बगैर विनय को कभी इतनी सफलता न प्राप्त होती। समिति में इस समय 100 नवयुवक हैं, जिनमें कितने ही संपन्न घरों के हैं। कुंवर साहब की इच्छा है कि समिति के सदस्यों की पूर्ण संख्या 500 तक बढ़ा दी जाए। डॉक्टर गांगुली इस वृद्धावस्था में भी अदम्य उत्साह से समिति का संचालन करते हैं। यही उनके अध्यक्ष है। जब स्थापक सभा के काम से अवकाश मिलता है तो नित्य 2-2.5 घंटे युवकों का शरीर विज्ञान संबंधी व्याख्यान देते हैं। पाठ्यक्रम 3 वर्षों में समाप्त हो जाता है, तब सेवा कार्य आरंभ होता है। अब की 20 युवक उत्तीर्ण होंगे और यह निश्चय किया गया है कि वे 2 साल भारत का भ्रमण करें, पर शर्त यह है कि उनके साथ एक लुटिया, डोर,
धोती और कंबल के सिवा और सफर का सामान न हो, यहाँ तक कि खर्च के लिए रुपये भी न रखे जाए। इससे कई लाभ होंगे। युवकों को कठिनाइयों का अभ्यास होगा, देश की यथार्थ दिशा का ज्ञान होगा, दृष्टि क्षेत्र विस्तीर्ण हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि चरित्र बलवान होगा। धैर्य, साहस, उद्योग, संकल्प आदि गुणों की वृद्धि होगी। विनय इन लोगों के साथ जा रहा है और मैं गर्व से फूली नहीं समाती हूँ कि मेरा पुत्र जाति हित के लिए यह आयोजन कर रहा है। और तुमसे सच कहती हूँ, अगर कोई ऐसा अवसर आ पड़े कि जाति रक्षा के लिए उसे प्राण भी देना पड़े तो मुझे जरा भी शोक न होगा। शोक तब होगा जब उसे ऐश्वर्य के सामने सिर झुकाते या कर्तव्य के क्षेत्र से हटते देखूंगी। ईश्वर न करे मैं वह दिन देखने के लिए जीवित रहूं। मैं नहीं रह सकती कि उस वक्त मेरे चित्त की क्या दशा होगी। शायद मैं विनय के रक्त की प्यासी हो जाऊं, शायद इन निर्मल हाथों से इतनी शक्ति आ जाए कि मैं उसका गला घोंट दूं। यह कहते कहते रानी के मुख पर एक विचित्र तेजस्विता की झलक दिखाई देने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों में आत्मगौरव की लालिमा प्रस्फुटित होने लगी। सोफिया आश्चर्य से रानी का मुंह ताकने लगी। इस कोमल काया में इतना अनुरक्त और परिष्कृत हृदय छिपा हुआ है, इसकी वह कल्पना भी न कर सकती थी। एक क्षण में रानी ने फिर कहा, बेटी मैं आवेश में तुमसे अपने दिल की कितनी ही बातें कह गई, पर क्या करूं, तुम्हारे मुख पर ऐसी मधुर सरलता है कि मेरे मन को आकर्षित करती है। इतने दिनों में मैंने तुम्हें खूब पहचान लिया, तुम सोफी नहीं स्त्री के रूप में विनय हो। कुंवर साहब तो तुम्हारे ऊपर मोहित हो गए हैं, घर में आते हैं तो तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं। यदि धार्मिक बाधा न होती तो मुस्कुराए। उन्होंने मिस्टर सेवक के पास विनय के विवाह का संदेशा कभी का भेजवा दिया होता। सोफी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लंबी लंबी पलकें नीचे को झुक गई और अधरों पर एक अति सूक्ष्म शांत मृदुल मुस्कान की छटा दिखाई दी। उसने दोनों हाथों से मुंह छिपा लिया और बोली, आप मुझे गालियां दे रही हैं, मैं भाग जाऊंगी। रानी, अच्छा शर्माओ मत, लो यह चर्चा ही न करूंगी। मेरा तुझसे यही अनुरोध है कि अब तुम्हें यहाँ किसी बात का संकोच न करना। इंदु तुम्हारी सहेली थी, तुम्हारे स्वभाव से परिचित थी, तुम्हारी आवश्यकताओं को समझती थी, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं। तुम इस घर को अपना घर समझो, जिस चीज़ की जरूरत हो निसंकोच भाव से कह दो, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवा लो, जब सैर करने का जी चाहे गाड़ी तैयार करा लो, किसी नौकर को कहो भोजन चाहो भेज दो, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मुझसे कुछ कहना हो तुरंत चले आओ, पहले से सूचना देने का काम नहीं। यह कमरा अगर पसंद ना हो तो मेरे बगल वाले कमरे में चलो जिसमें इंदु रहती थी, वहाँ जब मेरा जी चाहेगा तुमसे बात कर लिया करूँगी। जब अवकाश हो मुझे इधर उधर के समाचार सुना देना, बस यह समझो कि तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो। यह कहकर जानवी चली गई। सोफी का हृदय हल्का हो गया। वह बड़ी चिंता हो रही थी कि इंदु के चले जाने पर यहाँ मैं कैसे रहूँगी, कौन मेरी बात पूछेगा, बिन बुलाए मेहमान की भांति पड़ी रहूँगी। यह चिंता शांत हो गई। उस दिन से उसका और भी आदर सत्कार होने लगा। लौंडिया उसका मुंह जोहती रहती, बार बार आकर पूछ जाती, मिस साहब कोई काम है तो नहीं। कोचवान दोनों जून पूछ जाता, हुक्म हो तो गाड़ी तैयार करूं। रानी जी भी दिन में एक बार जरूर आ बैठती। सोफी को अब मालूम हुआ कि उसका हृदय स्त्री जाति के प्रति सदिच्छाओं से कितना परिपूर्ण था। उन्हें भारत की देवियों की ईंट और पत्थर के सामने सिर झुकाते देखकर हार्दिक वेदना होती। वह इसके जड़वाद को, उसके मिथ्यावाद को, उनके स्वार्थवाद को भारत की अधोगति का मुख्य कारण समझती थी। इन विषयों पर सोफी से घंटों बातें किया करती। इस कृपा और स्नेह ने धीरे धीरे सोफी के दिल से वीरानेपन के भावों को मिटाना शुरू किया। उसके आचार विचार में परिवर्तन होने लगा। लौंडियों से कुछ कहते हुए अब झेप न होती, भवन के किसी भाग में जाते हुए अब संकोच न होता, किंतु चिंताएं ज्यों-ज्यों घटती थी विलास प्रियता बढ़ती थी, उसके अवकाश की मात्रा में वृद्धि होने लगी, विनोद से रुचि होने लगी। कभी कभी प्राचीन कवियों के चित्रों को देखती, कभी बाग की सैर करने चली जाती, कभी पियानो पर जा बैठती, यहाँ तक कि कभी कभी जानवी के साथ शतरंज भी खेलने लगी। वस्त्राभूषण से अब वह उदासीनता न रही, गाउन के बदले रेशमी साड़ी पहनने लगी। रानी जी के आग्रह में कभी कभी पान भी खा लेती। कंघी चोटी से प्रेम हुआ,
चिंता त्याग मूलक होती है। निश्चिंता का आमोद विनोद से मेल है। एक दिन तीसरे पहर वह अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। गर्मी इतनी सख्त थी कि बिजली के पंखे और खस की टट्टियों के होते हुए भी शरीर से पसीना निकल रहा था। बाहर लू से देह जल झुलसी जाती थी। सहसा प्रभु सेवक आकर बोले, सोफी जरा चलकर एक झगड़े का निर्णय कर दो। मैंने एक कविता लिखी है, विनय सिंह को उसकी विषय में कई शंकाएं हैं। मैं कुछ कहता हूँ, वह कुछ कहते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा गया है, जरा चलो। सोफी, मैं काव्य संबंधी विवाद का क्या निर्णय करूंगी? पिंगल का अक्षर तक नहीं जानती, अलंकारों का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं, मुझे व्यर्थ ले जाते हो। प्रभु सेवक, उस झगड़े का निर्णय करने के लिए पिंगल जानने की जरूरत नहीं, मेरे और उनके आदर्श में विरोध है, चलो। तो सोफी आंगन से निकली तो ज्वाला सी देह में लगी। जल्दी जल्दी पग उठाते हुए विनय के कमरे में आई, जो राजभवन के दूसरे भाग में था। आज तक वह यहाँ कभी ना आई थी। कमरे में कोई सामान न था, केवल एक कंबल बिछा हुआ था और जमीन पर ही 10-5 पुस्तकें रखी हुई थी। न पंखा, न खस की टट्टी, न पर्दे, न तस्वीरें। पछुआ सीधे कमरे में आती थी। कमरे की दीवारें जलते तवे की भांति तप रही थी। वहीं विनय कंबल सिर झुकाए बैठे हुए थे। सोफी को देखते हुए वह उठ खड़े हुए, उसके लिए कुर्सी लाने दौड़े। सोफी, कहाँ जा रहे हैं? प्रभु सेवक मुस्कुरा कर, तुम्हारे लिए कुर्सी लाने। सोफी, वह कुर्सी लगाएंगे और मैं बैठूंगी, इतनी भद्दी बात है। प्रभु सेवक, मैं रोकता भी तो वह न मानते। सोफी, इस कमरे में इनसे कैसे रहा जाता है? प्रभु सेवक, पूरे योगी हैं, मैं तो प्रेम बस चला आता हूँ। इतने में विनय ने एक गत्तेदार कुर्सी लाकर सोफी के लिए रख दी। सोफी संकोच और लज्जा से गड़ी जा रही थी। विनय की ऐसी दशा हो रही थी मानो पानी में भीग रहे हैं। सोफी मन में कहती, कैसा आदर्श जीवन है। विनय मन में कहते थे, कितना अनुपम सौंदर्य है। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहे। आखिर विनय को एक युक्ति सूझी। प्रभु सेवक की ओर देखकर बोले, हम और तुम वादी हैं, खड़े रह सकते हैं, पर न्यायाधीश का तो उच्च स्थान पर बैठना ही उचित है। सोफी ने प्रभु सेवक की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, खेल में बालक अपने को भूल नहीं जाता। अंत में तीनों प्राणी कंबल पर बैठे। प्रभु सेवक ने अपनी कविता पढ़ सुनाई। कविता माधुर्य में डूबी हुई, उच्च और पवित्र भावों से परिपूर्ण थी। कवि ने प्रसाद गुण कूट कूट कर भर दिया था। विषय था एक माता का अपनी पुत्री को आशीर्वाद। पुत्री ससुराल जा रही है, माता उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है, पुत्री तू पति परायण हो, तेरी गोद फले, उसमें फूल कैसे कोमल बच्चे खेले, उनके माधुर्य हास्य ध्वनि से तेरा घर और आंगन गूंजे, तुझ पर लक्ष्मी की कृपा हो, तू पत्थर भी छुए तू कंचन हो जाए, तेरा पति तुझ पर उसी भांति अपने प्रेम की छाया रखे जैसे छप्पर दीवार को अपनी छाया में रखता है। कवि ने इन्हीं भावों के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन का ऐसा सुललित चित्र खींचा है कि उसमें प्रकाश, पुष्प और प्रेम का आधिक्य था। कहीं अंधेरी घाटियां न थी उसमें हम गिर पड़ते हैं, कहीं वे कांटे न थे जो हमारे पैरों में चुभते हैं, कहीं वह विकार न था जो हमें मार्ग से विचलित कर देता है। कविता समाप्त करके प्रभु सेवक ने विनय सिंह से कहा, अब आपको इसकी विषय में जो कुछ कहना हो कहिए। विनय सिंह ने सकुचाते हुए उत्तर दिया, मुझे जो कुछ करना था कह चुका। प्रभु सेवक, फिर से कहिए। विनय सिंह, बार बार वही बातें क्या कहूँ? प्रभु सेवक, मैं आपके कथन का भावार्थ कर दूं। विनय सिंह, मेरे मन में एक बात आई, कहते आप व्यर्थ उसे इतना बढ़ा रहे हैं। प्रभु सेवक, आखिर आप उन भावों को सोफी के सामने प्रकट करते क्यों शर्माते हैं? विनय सिंह, शर्माता नहीं हूँ, लेकिन आपसे मेरा कोई विवाद नहीं है। आपको मानव जीवन का यह आदर्श सर्वोत्तम प्रतीत होता है, मुझे वह अपनी वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल जान पड़ता है, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। प्रभु सेवक हंसकर, हाँ यही तो मैं आपसे कहलाना चाहता हूँ कि आप उसे वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल क्यों समझते हैं? क्या आपके विचार में दाम्पत्य जीवन सर्वथा निंद है, और क्या संसार के समस्त प्राणियों को संन्यास धारण कर लेना चाहिए? विनय सिंह, यह मेरा आशय कदापि नहीं कि संसार के समस्त प्राणियों को संन्यास धारण कर लेना चाहिए। मेरा आशय केवल यह था कि दाम्पत्य जीवन स्वार्थपरता का पोषक है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और इस अधोगति की दशा में जबकि स्वार्थ हमारी नसों में कूट कूट कर भरा हुआ है, जबकि हम बिना स्वार्थ के कोई काम
या कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि माता पुत्र संबंध में, गुरु शिष्य संबंध में, पत्नी पुरुष संबंध में स्वार्थ का प्राधान्य हो गया है। किसी उच्च कोटि के कवि के लिए दाम्पत्य जीवन की सराहना करना, उसकी तारीफों के फूल बांधना शोभा नहीं देता। हम दाम्पत्य सुख के दास हो रहे हैं, हमने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है। इस समय हम ऐसे व्रतधारियों की, त्यागियों की, परमार्थ सेवियों की आवश्यकता है जो जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण तक देते। हमारे कविजनों को इन्हीं उच्च और पवित्र भावों को उत्तेजित करना चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या जरूरत से ज्यादा हो गई है, हमारी जननी संतान वृद्धि के भार को अब नहीं संभाल सकती। विद्यालयों में, सड़कों पर, गलियों में इतने बालक दिखाई देते हैं कि समझ नहीं आता कि ये क्या करेंगे। हमारे देश में इतनी उपज भी नहीं होती कि सबके लिए एक बार इच्छापूर्ण भोजन भी प्राप्त हो। भोजन का अभाव भी हमारे नैतिक और आर्थिक पतन का मुख्य कारण है। आपकी कविता सर्वथा असामयिक है, मेरे विचार से इससे समाज का उपकार नहीं हो सकता। इस समय हमारे कवियों का कर्तव्य है त्याग का महत्व दिखाना, ब्रह्मचारी में अनुराग उत्पन्न करना, आत्मनिग्रह का उपदेश करना। दाम्पत्य तो दासत्व का मूल है और यह समय उसके गुणगान के लिए अनुकूल नहीं है। प्रभु सेवक, आपको जो कुछ कहना था कह चुके। विनय सिंह, अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है पर इस समय इतना ही काफ़ी है। प्रभु सेवक, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि बलिदान और त्याग के आदर्श की मैं निंदा नहीं करता। वह मनुष्य के लिए सबसे ऊंचा स्थान है और वह धन्य है जो उसे प्राप्त कर ले। किंतु जिस प्रकार कुछ व्रतधारियों के निर्जल और निराहार रहने के से अन्न और जल की उपयोगिता में बाधा नहीं पड़ती, उसी प्रकार दो चार योगियों के त्याग से दाम्पत्य जीवन त्याज्य नहीं हो जाता। दाम्पत्य मनुष्य के सामाजिक जीवन का मूल है, उसका त्याग कर दीजिए, बस हमारे सामाजिक संगठन का सिरिजा बिखर जाएगा और हमारी दशा पशुओं के समान हो जाएगी। गृहस्थ को ऋषियों ने सर्वोच्च धर्म कहा है और अगर शांत हृदय से विचार कीजिए तो विदित हो जाएगा कि ऋषियों का यह कथन अत्युक्ति मात्र नहीं है। दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, उपकार, त्याग आदि देवोचित गुणों के विकास के जैसे सुयोग नित्य जीवन में प्राप्त होते हैं और किसी अवस्था में नहीं मिल सकते। मुझे तो यहाँ तक कहने में संकोच नहीं है कि मनुष्य के लिए यही एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वाभाविक कही जा सकती है। जिन कृत्यों ने मानव जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया है, जिनका श्रेय योगियों को नहीं दाम्पत्य सुख भोगियों को है, हरिश्चंद्र योगी नहीं थे, रामचंद्र योगी नहीं थे, कृष्ण त्यागी नहीं थे, नेपोलियन त्यागी नहीं था, नेल्सन योगी नहीं था। धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में त्यागियों ने अवश्य कीर्ति लाभ किए, लेकिन कर्म क्षेत्र में यश का सेहरा भोगियों के ही सिर बंधा है। इतिहास में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि किसी जाति का उद्धार त्यागियों द्वारा हुआ हो। आज भी हिंदुस्तान में 10 लाख से अधिक त्यागी बसते हैं, पर कौन कह सकता है कि उनसे समाज का कुछ उपकार हो रहा है? संभव है अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। फिर यह आशा क्यों कर की जा सकती है कि दाम्पत्य जीवन की अवहेलना से जाति का विशेष उपकार होगा? हाँ, अगर अविचार को उपकार कहे तो अवश्य उपकार होगा। यह कथन समाप्त करके प्रभु सेवक ने सोफिया से कहा, तुमने दोनों वादियों के कथन सुन लिए, तुम इस समय न्याय के आसन पर हो, सत्यासत्य का निर्णय करो। सोफी, इसका निर्णय तुम आप ही कर सकते हो, तुम्हारी समझ में संगीत बहुत अच्छी चीज है। प्रभु सेवक, अवश्य। सोफी, लेकिन अगर किसी के घर में आग लगी हुई हो तो उसके निवासियों को गाते बजाते देखकर तुम उन्हें क्या कहोगे? प्रभु सेवक, मूर्ख कहूँगा और क्या। सोफी, क्यों? गाना तो कोई बुरी चीज नहीं। प्रभु सेवक, तो यह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें इन्हें डिग्री दे दी गई? मैं पहले ही समझ रहा था कि तुम इन्हीं की तरफ झुकोगे। सोफी, अगर यह भय था तो तुमने मुझे निर्णायक क्यों बनाया था? तुम्हारी कविता उच्च कोटि की है, मैं इसे सर्वांग सुंदर कहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी इस अलौकिक शक्ति को स्वदेश बंधुओं के हित में लगाओ। अवनति की दशा में श्रृंगार और प्रेम का राग अलापने की जरूरत नहीं होती, इसे तुम भी स्वीकार करोगे। सामान्य कवियों के लिए कोई बंधन नहीं है,
उन पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने जितनी ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की है उतना ही उत्तरदायित्व तो भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। जब सोफिया चली गई तो विनय ने प्रभु सेवक से कहा, मैं इस निर्णय को पहले ही से जानता था, तुम लज्जित तो नहीं हुए होगे? प्रभु सेवक, उसने तुम्हारी मुरव्वत की है। विनय सिंह, भाई तुम बड़े अन्यायी हो, इतने युक्तिपूर्ण निर्णय पर भी उनके सिर इल्जाम लगा ही दिया। मैं तो उनकी विचारशीलता का पहले ही से कायल था, आज से भक्त हो गया। इस निर्णय ने मेरे भाग्य का निर्णय कर दिया। प्रभु, मुझे स्वप्न में भी यह आशा न थी कि मैं इतनी आसानी से लालसा का दास हो जाऊं। मैं मार्ग से विचलित हो गया। मेरा संयम कपटी मित्र की भांति परीक्षा के पहले ही अवसर पर मेरा साथ छोड़ गया। मैं भली भांति जानता हूं कि मैं आकाश के तारे तोड़ने जा रहा हूं, वह फल खाने जा रहा हूं जो मेरे लिए वर्जित है। खूब जानता हूं प्रभु कि मैं अपने जीवन को नैराश्य की वेदी पर बलिदान कर रहा हूँ, अपनी पूज्य माता के हृदय पर कुठाराघात कर रहा हूँ, अपनी मर्यादा की नौका की कलंक के सागर में डूबा रहा हूँ, अपनी महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित कर रहा हूँ, पर मेरा अंतःकरण इसके लिए मेरा तिरस्कार नहीं करता। सोफिया मेरी किसी तरह नहीं हो सकती, पर मैं उसका हो गया और आजीवन उसी का रहूँगा। प्रभु से विनय, अगर सोफी को यह बात मालूम हो गई तो वह यहाँ एक क्षण भी न रहेगी, कहीं वह आत्महत्या न कर ले। ईश्वर के लिए यह अनर्थ न करो। विनय सिंह, नहीं प्रभु, मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा, और अगर कहीं न आऊँगा मेरा हृदय जल कर भस्म हो जाए, मेरी सोफी को आँच भी न लगने पावेगी। मैं दूर देश में बैठा हुआ इस विद्या विवेक और पवित्रता की देवी को उपासना किया करूँगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे प्रेम में वासना का लेस भी नहीं है। मेरे जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह अनुराग ही काफ़ी है। यह मत समझो कि मैं सेवा धर्म का त्याग कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा ना होगा। मैं अब भी सेवा मार्ग का अनुगामी रहूंगा। अंतर केवल इतना होगा कि निराकार की जगह साकार की, अदृश्य की जगह दृश्यमान की भक्ति करूंगा। सहसा जानवी ने आकर कहा, विनय जरा इंदु के पास चले जाओ, कई दिन से उसका समाचार नहीं मिला। मुझे शंका हो रही है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? खत भेजने में विलम्ब तो कभी ना करती थी। विनय तैयार हो गया, कुर्ता पहना, हाथ में सोटा लिया और चल दी। प्रभु सेवक सोफी के पास आकर बैठ गए और सोचने लगे, विनय सिंह की बातें इसे कहूँ या ना कहूँ? सोफी ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा, कुंवर साहब कुछ कहते थे? प्रभु सेवक, उस विषय में तो कुछ नहीं कहते थे, पर तुम्हारे विषय में ऐसे भाव प्रकट किए जिनकी संभावना मेरी कल्पना में भी ना आ सकती थी। सोफी ने क्षण भर जमीन की ओर ताकने के बाद कहा, मैं समझती हूँ, पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं इससे चिंतित नहीं हूँ। यह भावना मेरे हृदय में उसी दिन अंकुरित हुई जब यहाँ आने के चौथे दिन बाद मैंने आंखें खोली और उस अर्धचेतना की दशा में एक देव मूर्ति को सामने खड़े अपनी ओर वात्सल्य दृष्टि से देखते हुए पाया। वह दृष्टि और वह मूर्ति आज तक मेरे हृदय पर अंकित है और सदैव अंकित रहेगी। प्रभु सेवक, सोफी तुम्हें यह कहते हुए लज्जा नहीं आती? सोफिया, नहीं, लज्जा नहीं आती, लज्जा की बात ही नहीं है। वह मुझे आपने प्रेम के योग्य समझते हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है। ऐसे साधु प्रकृति, ऐसे त्याग मूर्ति, ऐसे सदुत्साही पुरुष की प्रेम पात्री बनने में कोई लज्जा नहीं। अगर प्रेम प्रसाद पाकर किसी युवती को गर्व होना चाहिए तो वह युवती मैं हूँ। यही वरदान था जिसके लिए मैं इतने दिनों तक शांत भाव से धैर्य धारण किए हुए मन में तप कर रही थी, वह वरदान आज मुझे मिल गया है, तो यह मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, आनंद की बात है। प्रभु सेवक, धर्म विरोध के होते हुए भी सोफिया, यह विचार उन लोगों के लिए है जिनके प्रेम वासनाओं से युक्त होते हैं। प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है जितना कंचन और कांच में। प्रेम की सीमा भक्ति से मिलती है और उनमें केवल मात्र का भेद है। भक्ति में सम्मान और प्रेम में सेवा भाव का आधिक्य होता है। प्रेम के लिए धर्म की विभिन्नता का कोई बंधन नहीं। ऐसी बाधाएं उस मनोभाव के लिए है जिसका अंत विवाह है, उस प्रेम के लिए नहीं जिसका अंत बलिदान है। प्रभु सेवक, मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से चलने के लिए तैयार रहो। सोफिया,
मगर घर पर किसी से इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। प्रभु सेवक, इससे निश्चिंत रहो। सोफिया, कुछ निश्चय हुआ? यहाँ से उनके जाने का कब इरादा है? प्रभु सेवक, तैयारियाँ हो रही है। रानी जी को यह बात मालूम हुई तो विनय के लिए कुशल नहीं। मुझे आश्चर्य न होगा अगर मम्मा से इसकी शिकायत करें। सोफिया ने गर्व से सिर उठाकर कहा, प्रभु कैसी बच्चों की सी बातें करते हो। प्रेम अभय का मंत्र है। प्रेम का उपासक संसार की समस्त चिंताओं और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। प्रभु सेवक चले गए तो सोफिया ने किताब बंद कर दी और बाग में आकर हरी घास पर लेट गई। उसे आज लहराते हुए फूलों में, मंद मंद चलने वाली वायु में, वृक्षों पर चहकने वाली चिड़ियों के करलव में, आकाश पर छाई लालिमा में एक विचित्र शोभा, एक अकथनीय सुषमा, एक अलौकिक छटा का अनुभव हो रहा था। वह प्रेम रत्न पा गई थी। उस दिन के बाद एक सप्ताह हो गया पर विनय सिंह ने राजपुताने को प्रस्थान न किया। वह किसी न किसी हीले से दिन टालते जाते थे। कोई तैयारी न करनी थी, फिर भी तैयारियां पूरी न होती थी। अब विनय और सोफिया दोनों ही को विदित होने लगा कि प्रेम को, जब वह स्त्री और पुरुष में हो, वासना से निर्लिप्त रखना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने समझा था। सोफी एक किताब बगल में दबाकर प्रातःकाल बाग में जा बैठती, शाम को भी कहीं और सैर करने न जाकर वहीं आ जाती। विनय भी उसे कुछ दूर पर लिखते पढ़ते, कुत्ते से खेलते या किसी मित्र से बातें करते अवश्य दिखाई देते। दोनों एक दूसरे की ओर दबी आंखों से देख लेते थे पर संकोचवश कोई बातचीत करने में अग्रसर न होता था। दोनों ही लज्जाशीलता थे पर दोनों इस मौन भाषा का आशय समझते थे। पहले इस भाषा का ज्ञान न था। दोनों ही मन में एक ही उत्कंठा, एक ही विकलता, एक ही तरब, एक ही ज्वाला थी। मौन भाषा से उन्हें तस्कीन न होती पर किसी को वार्तालाप करने का साहस न होता। दोनों अपने अपने में प्रेम वार्ता की नई नई उक्तियां सोच कर आते और यहाँ आकर भूल जाते। दोनों ही व्रतधारी, दोनों ही आदर्शवादी थे किंतु एक ही धर्म ग्रंथों की ओर ताकने की जो जी न चाहता था। दूसरा समिति को अपने निर्धारित विषय पर व्याख्यान देने का अवसर भी न पाता था। दोनों ही के लिए प्रेम रत्न प्रेम मद सिद्ध हो रहा था। एक दिन रात को भोजन करने के बाद सोफिया रानी जानवी के पास बैठी हुई कोई समाचार पत्र पढ़कर सुना रही थी कि विनय सिंह आकर बैठ गए। सोफी की विचित्र दशा हो गई। पढ़ते पढ़ते भूल जाती कि कहाँ तक पढ़ चुकी हूँ और पढ़ी हुई पंक्तियों को फिर पढ़ने लगती। वह भी अटक अटक कर शब्दों पर आंखें न जमती। वह भूल जाना चाहती थी कि कमरे में रानी के अतिरिक्त कोई और बैठा हुआ है पर विनय और देखे ही उसे दिव्य ज्ञान सा हो जाता था कि अब वह मेरी ओर ताक रहे हैं और तत्क्षण उसका ज्ञान अस्थिर हो जाता। जानवी ने कई बार टोका, सोती तो नहीं हो? क्या बात है, रुक क्यों जाती हो? आज तुझे क्या हो गया है बेटी? सहसा उनकी दृष्टि विनय सिंह की ओर फिरी। उसी समय जब वह प्रेमातुर नेत्रों से उसकी ओर ताक रहे थे, जानवी का विकसित शांत मुख मंडल थमथमा उठा, मानो बाग में आग लग गई। अग्निमय नेत्रों से विनय की ओर देखकर बोली, तुम कब जा रहे हो? विनय सिंह, बहुत जल्द। जानवी, मैं बहुत जल्द का आशय यह समझती हूँ कि तुम कल प्रातः काल ही प्रस्थान करोगे। विनय सिंह, अभी साथ जाने वाले कई सेवक बाहर गए हुए हैं। जानवी, कोई चिंता नहीं, वे पीछे चले जाएंगे, तुम्हें कल प्रस्थान करना होगा। विनय सिंह, जैसी आज्ञा। जानवी, अभी जाकर सब आदमियों को सूचना दे दो, मैं चाहती हूँ कि तुम स्टेशन पर सूर्य के दर्शन करो। विनय, इंदु से मिलने जाना है। जानवी, कोई जरूरत नहीं, मिलने भेटने की प्रथा स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं, जाओ। विनय को फिर कुछ कहने की हिम्मत न हुई, आहिस्ता से उठे और चले गए। सोफी ने साहस करके पूछा, आजकल तो राजपुताने में आग बरसती होगी। जानवी ने निश्चयात्मक भाव से कहा, कर्तव्य कभी आग और पानी का परवाह नहीं करते। जाओ, तुम भी सो जाओ, सवेरे उठना है। सोफी सारी रात बैठी रही। विनय से एक बार मिलने के लिए उसका हृदय तड़फड़ा रहा था। आह, वह कल चले जाएंगे और मैं उनसे विदा भी न हो सकूंगी। वह बार बार खिड़की से झांकती कि कहीं विनय की आहट मिल जाए। छत पर चढ़कर देखा, अंधकार छाया हुआ था। तारागण उसकी आतुरता पर हंस रहे थे। उसके जी में कई बार प्रबल आवेग हुआ कि छत पर से नीचे बाग में कूद पड़ो।
उनके कमरे में जाऊं और कहूं मैं तुम्हारी हूं। आह, अगर संप्रदाय ने हमारे और उनके बीच में बाधा न खड़ी कर दी होती तो वह इतने चिंतित क्यों होते? मुझको इतना संकोच क्यों होता? रानी मेरी अवहेलना क्यों करती? अगर मैं राजपुतानी होती तो रानी हर्ष मुझे स्वीकार करती, पर ईशा की अनुचरी होने के कारण त्याज्य हूँ। ईशा और कृष्ण में इतनी समानता है, पर उनके अनुचरों में कितनी विभिन्नता। कौन कह सकता है कि सांप्रदायिक भेदों ने हमारी आत्माओं पर कितना अत्याचार किया है? ज्यों ज्यों रात बीतती थी, सोफी का दिल नैराश्य में बैठा जाता था। हाय, मैं यूं ही बैठी रहूंगी और सवेरा हो जाएगा, विनय चले जाएंगे, कोई भी तो नहीं जिसके हाथों एक पत्र लिखकर भेज दूं। मेरे ही कारण तो उन्हें यह दंड मिल रहा है। माता का हृदय भी निर्दय होता है। मैं समझी थी मैं ही अभागनी हूँ, पर अब मालूम हुआ ऐसी माताएं और भी हैं। तब वह छत पर से उतरी और अपने कमरे में जाकर लेट रही। नैराश्य ने निद्रा की शरण ली, पर चिंता की निद्रा क्षुद्रावस्था का विनोद है, शांति विहीन और नीरस। जरा ही देर सोई थी कि चौंक कर उठ बैठी। सूरज का प्रकाश कमरे में फैल गया था और विनय सिंह अपने 200 साथियों के साथ स्टेशन जाने को तैयार खड़े थे। बाग में हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। वह तुरंत बाग में आ पहुंची और भीड़ को हटाती हुई यात्रियों के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। राष्ट्रीय गान हो रहा था। यात्री नंगे सिर नंगे पैर एक एक कुर्ता पहने हाथ में लकड़ी लिए गर्दनों में एक एक थैली लटकाए चलने को तैयार थे। सब के सब प्रसन्न वदन उल्लास में भरे हुए जातीयता के गर्व से उन्नत थे, जिनको देखकर दर्शकों के मन गौरवान्वित हो रहे थे। एक क्षण में रानी जानवी आई और यात्रियों के मस्तक पर केसर के तिलक लगाए। तब कुंवर भरत सिंह ने आकर उनके गलों में हार पहनाए। उसके बाद डॉक्टर गांगुली ने चुने हुए शब्दों में उन्हें उपदेश दिया। उपदेश सुनकर यात्री लोग प्रस्थित हुए। जय जयकार की ध्वनि सहस्त्र सहस्त्र कंठों से निकलकर वायुमंडल को प्रतिध्वनित करने लगी। स्त्रियों और पुरुषों का एक समूह उनके पीछे पीछे चला। सोफिया चित्रवत खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके हृदय में बार बार उत्कंठा होती थी कि मैं भी इन्हीं यात्रियों के साथ चली जाऊं और अपने दुखित बंधुओं की सेवा करूं। उसकी आंखें विनय सिंह की ओर लगी हुई थी। एकाएक विनय सिंह की आंखें उसकी ओर फिरी। उनमें कितना नैराश्य था, कितनी मर्म वेदना, कितनी विवशता, कितनी विनय। वह सब यात्रियों के पीछे चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे, मानो पैरों में बेड़ी पड़ी। सोफिया उपचेतना की अवस्था में यात्रियों के पीछे पीछे चली और उसी दशा में सड़क पर आ पहुंची। फिर चौराहा मिला, उसके बाद किसी राजा का विशाल भवन मिला। फिर अभी तक सोफी को खबर न हुई मैं इनके साथ चली आ रही हूँ। उसे उस समय विनय सिंह के सिवा और कोई नजर ही ना आता था। कोई प्रबल आकर्षण उसे खींचे लिए जाता था। यहाँ तक कि वह स्टेशन के समीप के चौराहे पर पहुँच गई। अचानक उसके कानों में प्रभु सेवक की आवाज़ आई, जो बड़े वेग से फिटन दौराए चले आते थे। प्रभु सेवक ने पूछा, सोफी तुम कहाँ जा रही हो? जूते तक नहीं, केवल स्लीपर पहने हो। सोफिया पर घरों पानी पड़ गया। आह, मैं इस वेश में कहाँ चली आई, मुझे सुधी ही ना रही। रजाती हुई बोली, कहीं तो नहीं? प्रभु सेवक, क्या इन लोगों के साथ स्टेशन तक जाओगी? आओ गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं भी वहीं चलता हूँ। मुझे भी अभी अभी मालूम हुआ कि ये लोग जा रहे हैं। जल्दी से गाड़ी तैयार करके आ पहुँचा, नहीं तो मुलाकात भी ना होती। सोफी, मैं इतनी दूर निकल आई और जरा भी ख्याल ना आया कि कहाँ जा रही हूँ। प्रभु सेवक, आकर बैठ न जाओ, इतनी दूर आई हो तो स्टेशन तक और चली चलो। सोफी, मैं स्टेशन ना जाऊंगी, यहीं से लौट जाऊंगी। प्रभु सेवक, मैं स्टेशन से लौटता हुआ आऊंगा, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। सोफी, मैं वहां ना जाऊंगी। प्रभु सेवक, बड़े पापा नाराज होंगे, आज उन्होंने बहुत तुम्हें आग्रह करके बुलाया है। सोफी, जब तक मम्मा मुझे खुद आकर न ले जाएगी उस घर में कदम न रखूंगी। यह कहकर सोफी लौट पड़ी और प्रभु सेवक स्टेशन की तरफ चल दिए। स्टेशन पर पहुंचकर विनय ने चारों तरफ आंखें फार फार कर देखा, सोफी न थी। प्रभु सेवक ने आंखें उसके कान में कहा, धर्मशाले तक यूं ही रात के कपड़े पहने चली आई थी, वहां से लौट गई, जाकर खत जरूर लिखिएगा, वरना वह राजपुताने जा पहुंचेगी। विनय ने गदगद कंठ से कहा, केवल देह लेकर जा रहा हूँ, हृदय यहीं छोड़े जाता हूँ। आप सुन रहे थे
मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 9। धन्यवाद।